ये मेरा स्वैग है, ये मेरा स्वैग है। 200, 300, 400 तो समझ में आता है बेटा, है बेटा, है बेटा, है बेटा, है बेटा। ये मेरा स्वैग है, स्वैग है, रॉकिंग स्वैग। 1500 पे तो तुम इसको जिला घोषित कर दो, जिला घोषित कर दो। स्वैग है, ये मेरा स्वैग है, ये मेरा स्वैग है। कॉम्पिटिशन नहीं रह गई है बेटा अब। न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं ना, जब तक कोई चीज़ चल रही है वो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए। वैसा ही हाल कुछ आर्ट कंपटीशन का भी हो रखा है, वो चलता ही जा रहा है और रोज़ नई 50 एंट्री 100 एंट्री आती जा रही है। कोई बात नहीं, हमने सोचा इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला जाए, तो मैंने सोचा उन आर्टिस्ट से मदद ली जाए जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनसे जजिंग वाला पार्ट में कुछ हेल्प लेते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं और देखिए उनका क्या रिएक्शन आता है। आज का पूरा व्लॉग इसी बारे में है, तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं फ़ोन मिला रहा हूँ उनको जो कि एक बहुत ही रेनाउंड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ओल्ड आर्टिस्ट हैं और देखते हैं वो क्या कहेंगे बेसिकली और कितनी बातें मेरी हो सकती हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं तो हो सकता है शायद ज़्यादा बात ना करें। लेट्स सी कि वो क्या कहने वाले हैं। बिजी जा रहा है थी इनका, पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हेलो, अरे पता नहीं कौन है, कट हो यार, इतनी अच्छी पिक्चर देख रहा था मैं, एक बार फिर से कॉल करता हूँ, काट के लगाता हूँ। इसलिए अभी रिंग जा रहा है, आवाज़ आ रही है ना, सुनाई दे रहा है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो उठा ले फोन। फिर से आ रहा है, हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ 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 बेटा बोलो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सर कैसे हैं? अरे अब तो बेटा उम्र हो गई है, कोई बात भी नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं है, तुम लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो रखे हो। जी जी सर, कलाकारी चल ही रही है अपना जो चलती है, छात्र लोग आते हैं और हमें पढ़ा के चले जाते हैं। और आप बताइए सर, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, बस वो ही अभी चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह उनका। हाँ तुम्हारी माता जी को काफ़ी तकलीफ है वो हमने सुना, हाँ वो परेशानी तो है ही, अब इतना टाइम है तो इस समय तो चल ही रहा है। तुम बताओ बेटा और क्या चल रहा है? अब तो काफ़ी ओल्ड एज हैं और अभी आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन लगवा ली सर? वैक्सीन तो बेटा लगवा ली है, कह रहे थे कि दोनों हाथ में लगेगी कि, लेकिन फिर एक ही हाथ में हमने दोनों लगवा दी है। जी सर, जी सर। बेटा तुम्हें भाई लेकिन हम पहचान नहीं रहे, तुम वही लड़के थे जो भाग जाते थे क्लास से हमेशा? जी सर, जी सर। हाँ हाँ अभी याद आया बेटा, हाँ हाँ हाँ। जी सर, जी सर। तुम क्लास में भी हमेशा 0 पाया करते थे ना? अरे सर, हाँ अब 0 बना बना के तुम आर्ट सिखा रहे हो सबको, हमने देखा है। हाँ अरे जबरू बता रहा था तुम्हारे बारे में एक दिन, कह रहा था कि तुम सबको रोस्ट कर रहे हो बैठ के। हाँ हाँ हाँ, जबरू तो मिलता रहता है बीच बीच में, कभी कदार आता है, मेरा इंतजाम कर जाता है थोड़ा बहुत जो है। सर मैं बस एक बात आपसे करना चाह रहा था कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने एक आर्ट कॉम्पिटिशन कराया है अपने यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा आर्ट कॉम्पिटिशन किए हो? हाँ 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 पता तो चला है, कोई वही एक नया लड़का है जो सोनू है ना, उसी का काम, हाँ उसी का आर्ट कॉम्पिटिशन है। हाँ देखे हैं बेटा, देखे हैं। तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बीइंग अ जज आपको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपको हम यहाँ पे रख सकें, तो आप सर इंटरेस्टेड हैं क्या इसमें? हाँ बेटा कर तो देंगे, जजमेंट करने में क्या है, हमारे लिए तो सब बाएं हाथ का काम है बेटा, ये ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है हमें ये सब करने में, तुम्हें तो पता ही है ना। अच्छा अच्छा सर, पार्टिसिपेंट तो बेसिकली अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि 1500 के ऑलमोस्ट हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा ही होंगे अभी जो मैं दिख रहा है। कितने बेटा कि कितने का है एंट्री, कितनी आ गई है? 1500? तो बेटा इस कंपटीशन को तुम जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इतनी कंपटीशन कहाँ आते करती है, वो भी ऑनलाइन में? अरे नहीं सर, वो तो आप समझिए ना बात को कि मतलब वो कंपटीशन है तो ऑब्वियसली लोगों ने इतना सारा पार्टिसिपेट किया है तो मैं उसमें अब ये तो नहीं कर सकता, बट हाँ बहुत लोगों ने बहुत सारा पार्टिसिपेशन दिया है। 200, 300, 400 तो समझ में आता है बेटा, 1500 पे तो तुम इसको जिला घोषित कर दो, कंपटीशन नहीं रह गई है बेटा अब। हाँ हाँ सर सर, ठीक ठीक बेटा, करने को तो कर ही देंगे जज, उसमें क्या को बहुत दिक्कत है, भेज दो। सर मैं आपको
सारी कॉम्पिटिशन्स का वो भेज दूँ आपको, मेल पे भेज दूँ या कैसे, ड्राइव पे मैं आपको सेव करके भेज दूँ क्या? कौन सा बेटा ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव की स्क्वायर ड्राइव? हमको तो क्रिकेट वाला ही पता है बेटा। अरे आप ड्राइव सर, ड्राइव जो गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव सर? नहीं बेटा, ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह तो हमको नहीं समझ में आता है, हम फोन ही नहीं चला पाते हैं, तो ये कहाँ ड्राइव वगैरह हमको समझ में आएगा। तुम ऐसा करो, हमको व्हाट्सएप पे भेज दो। सर व्हाट्सएप पे तो नहीं जाता सर, व्हाट्सएप पे कैसे जाएगा सर इतनी सारी इमेजेस? व्हाट्सएप से हम चेक कर लेंगे बेटा, हमारे लिए तो वैसे भी अब दाएं हाथ का ही काम रह गया है, हम तो दो मिनट में निपटा देंगे बेटा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, सर जैसा आपको ठीक लगे सर। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ भेज दो बेटा, भेज दो, देखा जाएगा, भेज दो, भेज दो। थैंक यू सर, भेज दो, देख लेंगे, भेज दो। तो अब चलो दूसरे हमारे जबरू भाई, उनको कॉल करते हैं और देखते हैं कि वो आज क्या कर रहे हैं, और उनसे बात करते हैं कि देखते हैं वो शायद कुछ हेल्प कर सकें। जबरू भी बहुत टैलेंटेड है, चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा जबरू। कॉल मिलाते हैं जबरू को, देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो रिंगटोन सुना उनकी भाई साहब की, जबरदस्त रिंगटोन है। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, अब इसको मेरे से क्या काम पड़ गया? हाँ जबरू भाई। हाँ पहचान लिया है क्या, और क्या, तेरा नंबर सेव करके रखा है मैंने। जबरू भैया क्या हाल है? जबरू भैया आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो? हाँ बोल, तुझे क्या काम है, अब क्या चाहिए तुझे मेरे से? हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ अंकित, उस दिन तुझे इतना अच्छा सिखाया, वो समझ में नहीं आया तुझे अभी? हाँ जबरू भाई, एक्चुअली आपको तो पता ही है कार्ड कॉम्पिटिशन मैंने ऑर्गेनाइज करी थी, और जब आप आए थे चैनल पे तो उसी टाइम पे वो सब भी चल रही थी चीज़ें। हाँ तो मैं क्या करूँ, तूने हार्ड कॉम्पिटिशन कराया तो। हाँ जबरू भाई, जबरू भाई आपके इतने सारे फ़ैन बन चुके हैं यहाँ पे इस चैनल पे, और सब बोल रहे हैं कि जबरू भाई को व्लॉग में लेके आओ, आप कब आओगे जबरू भाई, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए? वो तो मेरे फैन सभी जगह पे हैं, तेरे ही चैनल पे क्या, हर चैनल पे मेरे फैन तुझे मिल ही जाएंगे बहुत सारे। हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता, तू अपना बता। हाँ जबरू भाई मैं सही हूँ, मैं भी ठीक हूँ। सुना है तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ध्यान रखा कर उनका। हाँ मम्मी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, वही है, रिकवरी चल रही है। जबरू भाई, जबरू भाई आओ कभी हवेली पे। हाँ आऊँगा, इधर बीच मिलने कभी आ जाऊँगा। हाँ जबरू भाई, एक्चुअली आपको तो पता ही है कार्ड कॉम्पिटिशन मैंने ऑर्गेनाइज करी थी। हाँ तूने आर्ट कॉम्पिटिशन रखा है, मैंने सुना, लोग बता रहे थे मुझे कि तू भी आजकल कुछ ना कुछ करने लगा है। तो मैं चाह रहा था कि आप जबरू भाई अगर उसको बेसिकली जज कर देते तो आपका क्या थॉट है इस बारे में जबरू भाई? मैं तो हमेशा ही रॉक करता रहता हूँ। कितनी एंट्रीज आई हैं उसमें? एंट्रीज जबरू भाई हैं 1500 से ऊपर ही आ गई एंट्रीज तो। कितनी? 1500? अरे नहीं जबरू भाई, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओह माय गॉड, तो तू एक काम कर, उन 1500 एंट्रीज को लेके मेरे मेरे शो में आ जा, मेरे लाइव शो में आ जा, कल मैं एक लाइव शो करने वाला हूँ। बेसिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और अकेले मेरे बस की जजिंग करने की बात है नहीं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है इतनी सारी आर्ट एंट्रीज को जज कर पाना, है ना? तो मैं चाह रहा था आपसे थोड़ी हेल्प ले लेता, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हो जजिंग में भी। हाँ चल ठीक है, तो क्या करना है उसमें, मुझे जज करना है? यू नो माई स्टाइल, मैं ऐसे जज नहीं करता हूँ, मेरे जजिंग के पैरामीटर्स अलग हैं। हाँ जरूर, हम सब रॉक करने वाले हैं, तू भी आ जाओ उसी में। तो आप जजिंग करने के लिए प्रिपेयर हो, मतलब तैयार हो ना, तो मैं आपको भेज दूँ? हाँ मैं तो जज तो मैं कर ही दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जरूर भाई, ठीक है। मेरा स्टाइल है, मेरा स्वैग है, तेरे पास क्या है ऐसा? थैंक यू जबरू भाई, थैंक यू। चलो जबरू भाई ओके, अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं एकदम बढ़िया शो में आया हूँ, यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ लाइव भी करेंगे तो आपको बुला लेंगे जबरू भाई, है ना? उस दिन आप जरूर आ जाना, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। अच्छा लाइव में भी आना है, देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करता हूँ। ठीक है जबरू भाई ओके, लव यू जबरू भाई, थैंक यू, बाय। ओके चल, ओके बाय, टाटा, सी यू, बाय। बेकार का आदमी बिल्कुल, यहाँ पर रॉक नहीं करने दे रहा है मुझे। तो जबरू भाई ने तो हाँ बोल दी है, और जो बहुत मैच्योर आर्टिस्ट थे, जो बहुत
एक्सपीरियंस आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी बोला है कि मैं देखता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको इन दोनों आर्टिस्ट का इनसे बात करके? जबरू से तो आप खैर मिल ही चुके हो, बट जो ओल्ड आर्टिस्ट थे उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे आने वाले ब्लॉग्स में उनको भी इंटरव्यू करेंगे एक दिन। बहुत ही एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे और बातें करेंगे उनसे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो इट्स जस्ट अ फनी वीडियो, आप लोगों को इन्जॉय कराना था और मज़े दिलाना था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं भैया के घर जा रहा हूँ मम्मी से मिलने, उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए। थोड़ा सा टाइम मिला था तो आप लोगों से बात कर ली। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय। दो 200, 300, 400 तो समझ में आता है बिटता है बिटता है बिटता है बिटता है बिट। 1500 पे तो तुम इसको जिला घोषित कर दो, खुद जिला घोषित कर दो। कंपटीशन नहीं रह गई है बेटा अब।